아, 그럼 이거 있어. 다리 높나? 아, 너. 아는 지 앞에 있는 저 앞에 सर यहाँ सेक्टर कैमरा सर यार पॉइंट अरे टीचर है क्या अरे जी टीचर है क्या सर ये क्या थैंक यू सर यहाँ पे क्योंकि हम हीरोज तो बहुत देखते हैं टेलीविजन पर फिल्मों में और उनसे बहुत हम प्रेरित होते हैं हम उनके फैंस हो जाते हैं व्हाट अबाउट द रियल हीरोज हु फाइट फॉर द कंट्री जिनके लिए हम एक्चुअली हमारा फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन हम इन्हीं हीरोज को फेलिसिटेट करेंगे हमारे अवार्ड्स जिंदगी के में जो होने जा रहा है इस सैटरडे द 18th ऑफ नवंबर स्पीकिंग अ बिट अबाउट एम्पल मिशन The one and only Dr. Anil Murarka is the founder of Ample Mission and Samarpan. Ample Mission saal mein 4 awards karte hain of various kinds. Out of them is Shoorveer Award jo abhi ho gaya tha aur ab jo hone ja raha hai is Award Zindagi ke. Inke baare mein sirf itna hi kehna chahungi. We are going to felicitate 15 people from the country jinhone hamare liye kuch kiya. Right from Navy, Air Force, of course the Police Force, and the fire department along with the air force ladies and gentlemen aise bahut kam awards hain aur hum sirf unhe awards nahi dete hain unki puri history humne capture ki hai 1.5 minute ke av mein to hum unki jagah jate hain village ho ya koi bhi city ho wahan par jaakar hum unki family se baat karte hain aur unse jante hain exactly kya hua ji ha unhone balidan diya hai apna hamare desh ke liye aur wo yahi chahte hain कि बस हमारा देश सुखी हो ऐसे इंसानों को हम फेलिसिटेट करेंगे सो वी आर ट्रूली ऑनर्ड एंड तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी डॉक्टर अनिल मुरारका जी का जिन्होंने ऐसे लोगों के बारे में सोचा सो बिफोर आई हैंड ओवर द माइक टू अनिल मुरारका जी इतना ही कहना चाहूंगी टुडे आज हम इसलिए खुशहाल हैं क्योंकि सीमा पर जवान बलिदान को तैयार हैं बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे ही हमारे 15 अवार्डीज हैं जिन्हें अवार्ड मिलेगा और उनकी फैमिलीज यहाँ पर आएगी ओनली 15 अवार्ड्स ये हमारी खास बात है ऑल द 4 अवार्ड्स में सिर्फ हमारे 15 अवार्डीज होते हैं उनमें से एक हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट आकाश यादव जी एक है एसीपी मिस्टर वसंत दोबले जो वहाँ पर आने वाले हैं वेल एक लेडी अवार्डी भी है हमारे साथ लेडीज एंड जेंटलमैन जी हाँ ये पहली भारतीय नारी है जिन्होंने अपनी लाइफ दी है सेक्रीफाइस की है कंट्री के लिए और वो है Lieutenant Kiran Shekhawat. She's the first Indian woman to lose her life for the service of the nation. Ladies and gentlemen, right now, the Managing Director of Meera Chem Industries, Dr. Anil Murarka. Sir, aap se request karungi picture. Thank you. Dosto, sabse pehle maafi aap logon se. Tehe dil se maafi mangta hoon us deri ke liye. एक बहाना नहीं है लेकिन एक ट्रैफिक की जर्नी ने किस्सा आज मुंबई में रास्ते में उलझा हुआ था ट्रैफिक में इसीलिए आज यहाँ लेट पहुँचा हूँ आई होप यू विल नॉट माइंड फॉर दैट कमिंग
कमिंग बैक टू व्हाट अवार्ड्स जिंदगी के हैं, सिमरन जी ने इतना अच्छा आपको एक्सप्लेन किया है कि मेरे पास कुछ शायद बोलने जैसा रहा ही नहीं है. वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस एडिशन ऑफ अवार्ड्स सिंस लास्ट अबाउट 4.5 months नाउ, द सेकेंड एडिशन. कोशिश ऐसी है कि उन हीरो को तराशा जाए जो आज देश के लिए अपनी जान समर्पित कर देते हैं. जैसा सिमरन जी ने बताया आपको, वी हैव ट्राई टू कवर फेसेस फ्रॉम द आर्म फोर्सेस, द हीरोज ऑफ द इंडियन सॉइल, फ्रॉम द आर्मी, नेवी, फायर डिपार्टमेंट, द पुलिस ऑफ कोर्स एंड सो ऑन. द मैसेज अबाउट दिस अवार्ड इज वेरी लाउड एंड क्लियर दोस्तों, कि जो आज जो जवान आज अपने लिए या आज हमको अमन और शांति देने के लिए वहाँ जंग पर अपनी जानों की आहुति देते हैं, उनको ये हौसला दिलाना, उनको एक मैसेज देना कि अगर वो वहाँ खड़े हैं तो हम भी वहाँ उनके लिए यहाँ रेडी खड़े हैं. दे आर देयर टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, टू इंश्योर कि अगर उन्होंने अपने प्राणों की वहाँ आहुति दी तो उनकी फैमिलीज को यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा. दैट इज द बेसिक मैसेज वी हैव ट्राइड टू गिव टू द वर्ल्ड एट लार्ज, टू द इंडियन कॉन्टिनेंट लार्ज. आप लोगों को अगर और कुछ मेरे से जानना हो उसके बारे में, आई एम देयर टू डू स्टेप राइट नाउ टू टॉक अबाउट इट. देखिए राशि बिल्कुल है लेकिन मैं वो मीडिया के सामने कभी नहीं लाता हूँ. मोमेंटोज डेफिनेटली रहेंगे आपके सामने स्टेज पर. राशि एक वो छोटी सी राशि, मेरी छोटी राशि राशि धने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा एक प्रयास है, एक कोशिश है कि अगर मैं कुछ भी एक छोटे रूप में कर पाऊँ उनके लिए, वो मैं ज़रूर बैक स्टेज करता हूँ उनके लिए, डेफिनेटली करता रहूँगा. ये जो भी लोग होंगे ये किस कैटेगरीज के होंगे, रिटायर्ड होंगे या पोस्टमसली होंगे, मतलब क्या होगा? इस बार 15 जो अवार्ड रेसिपिएंट्स हैं, 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, बिल्कुल द मार्टियर्स ऑफ द नेशन. हमने उनकी फैमिलीज को इकट्ठा किया, उनसे जाके मिले, उनकी डिटेल्स ली, उनसे उनके ऊपर एवी बनाई और कोशिश की कि आपको उस 1.5 या 2 मिनट की एवी में हम काफ़ी कुछ बता सकें. ये एवी सब वहाँ डिस्प्ले पर रहेगी उस दिन, ताकि आवाम को ही पता चले कि हमने उस शख्सियत को अवार्ड क्यों दिया और किस लिए दिया. 3 ऐसे लोग भी हैं जो आज बिल्कुल ज़िंदा हैं लेकिन उन्होंने भी कुछ नायाब किया है, उनको भी वहाँ बुलाया है. कोशिश देखिए, अवार्ड मैं देने वाला कोई नहीं हूँ लेकिन मेरी कोशिश है, हमारी कोशिश है कि अगर हम एक जरिया बन सकते हैं इस चीज़ के लिए तो क्यों ना बने. और ये अवार्ड का सिलेक्शन रैंडमली किया गया या डिफेंस मिनिस्ट्री ने आपको कोई नाम सुझाए थे या किस तरह से ये 15 के नाम आपने कैसे चुने? डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसमें हमको कोई सहयोग नहीं दिया, ना हमने कभी उनको अप्रोच किया. हमने हमारी खुद की गूगल सर्च है हमारी, जहाँ हम कोशिश करते हैं कि जिस जिस क्षेत्र में कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसा कुछ नायाब किया हो उनको हम इकट्ठा करें. इट्स बेसिकली आवर ओन होमवर्क और आवर ओन एक्सरसाइज व्हाट वी डू. जहाँ जहाँ हमें लगा कि हम कोई मदद की हमें ज़रूरत है, फ्रॉम द कोस्ट गार्ड फॉर एग्जांपल, वहाँ हमने उनको अप्रोच किया, उन्होंने कुछ नाम दिए हमें और फिर हमने उसके ऊपर कार्रवाई की और हम आगे बढ़े. आज जो है हमारे कंट्री कई जगह लड़ाई लड़ रहा है, नक्सलवाद के साथ, आतंकवाद के साथ और भी घटनाएं होती रहती है. ऐसे में जो है कैजुअलिटीज जो है इनकी, हमारे आर्मी जवान की, BSF की और बाकियों की भी काफ़ी है. आज भी एक जो है अपना एक जम्मू में अग्नि संस्कार किया गया है विद फुल आर्मी रिस्पेक्ट. तो आप और हर तीसरे चौथे दिन ऐसी एक कैजुअलिटी सुनने में आती है, तो आपको लगता है कि 15 जो फिगर है ये आज के माहौल में कम है? आपको नहीं लगता कि 15 भी ज़्यादा है फॉर अ वाइल? बिकॉज आज उनको प्रॉपर इज्जत देना, प्रॉपर सम्मान देना, मैं 15 की जगह 50 लोगों को भी बुला सकता हूँ उस ऑडिटोरियम में, लेकिन उनको प्रॉपर उस तरीके से सम्मान मिले, वो ही कोशिश हमारी है. फिगर बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है,
आप कल बोलेंगे मैं 25 कर सकता हूँ, 50 कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं उनको उतना सम्मान दे पाऊंगा? उतना क्या उस उन हर इंसान को, उस शख्सियत को जिसने प्राणों की आहुति दी, क्या उसको उतना ईमानदारी से आप खुद सोचिए कि उनको पूरे इतनी जस्टिस दे पाएंगे? डॉक्टर साहब, आपने देखा हुआ आप जैसी कुछ शख्सियत हैं जो इन लोगों के बारे में, इन जैसे लोगों के बारे में काफी सोचते हैं, बॉलीवुड के भी हैं, कुछ बाहर के भी, जैसे आप भी हैं। मिलिट्रीज या आर्मी जवान के लिए काफी लोग अभी आगे आए हैं हाल ही में, अगर आपने देखा अक्षय कुमार इवन, काफी सारे लोग, लेकिन कुछ चीज कुछ ऐसी भी है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें रात दिन, हमारे जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, उनको आज भी अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। लेकिन उसमें अगर आप रिसर्च करेंगे तो उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं आज भी जिन्होंने अपना घर, अपना ये, मतलब सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ उसके लिए। तो इस जगह पे भी, इस यहाँ भी आपने कभी सोचा है कुछ? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, पुलिस जैसे आपने कहा कि लोग उनको एक अलग नजरिए से देखते हैं, ये बिल्कुल सही आपका बोलना। हमने भी यही कोशिश की है, लोगों को ये इस माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पुलिस वालों को जिस नज़रिए से देखते हैं उस नज़रिए से ना देखें। वो पुलिस वाला अगर आज पुलिस वाले की नौकरी कर रहा है या वो ड्यूटी कर रहा है तो वो आपके लिए और मेरे लिए कर रहा है। उनके पास ऐसे लम्हे भी आते हैं, वो हफ्ते हफ्ते भर अपने घर नहीं पहुँचते, वो तकलीफें एक आम आदमी को समझ में नहीं आती। हम या आप जब उस दौर से गुजरते हैं, हमको ये लगता है कि हमें उनको सिर्फ उनकी नेगेटिविटी दिखती है कि एक वो पुलिस वाले ने हमको इतना परेशान किया। बिल्कुल गलत है सोचना। उनके जूते में अगर हम जाके सोचें तो हमें पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगी में तकलीफें क्या क्या है। कोई शौकिया पुलिस वाला नहीं बनता, कोई शौकिया मिलिट्री में नहीं जाता, कोई शौक या नेवी नहीं ज्वाइन करता। वो जज्बा, वो जुनून उनमें देश के लिए कुछ कर गुजरने का, वो आगे लेके बढ़ते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं बोलता कि हम कुछ समाज को सुधार लेंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। शायद when we talk about it, बोलते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वही माध्यम से हम सोचते हैं। There is a thought, सक्सेस कैन नॉट बी अटेंड एवरी डे बट सक्सेस विल रीच यू वन डे फॉर श्योर। वो एक थॉट है, एक सोच है, ये अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है कि अगर ये प्रयास हम करते रहे तरीके से, शायद हिंदुस्तान में एक दिन ऐसा आएगा जब आप और मैं, जब आज पुलिस वाले को गाली देते हैं, लोग नहीं देंगे। ये नाम मेरे दिल के बड़ा करीब है। देखिए, जिंदगी एक मिलती है। आज अगर मैं बात करूँ, एक फिल्म आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उस लाइन में बड़ी ताकत है। आज आप और मैं जो सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, जिस माँ ने उस लाल को भी पैदा किया, वो ये सोच के नहीं किया था कि वो एक दिन देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देगा। जिंदगी सबको प्यारी है आज, और उसी थॉट को लेके कि भाई क्यों नहीं इस जिंदगी का महत्व समझाते हुए, वी टॉक अबाउट जिंदगी एट लार्ज, इसलिए इसका नाम सोचा गया अवार्ड्स जिंदगी के। आदमी उस सरहद पर ये नहीं सोचता कि वो जब जंग पर जा रहा है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसको जुनून है वो एक कुछ कर गुजरने का। That is called जिंदगी। इस हिसाब से, इस थॉट से इसको ये नाम दिया गया। सर, आज का जो माहौल है ये बड़ा डाइसी माहौल है। एक तरफ आप जो हैं उन जवानों की कदर कर रहे हैं जो वहाँ पे सीमा पे खड़े हैं, दूसरे तरफ एक ऐसे लोग भी हैं जो राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड के लिए खड़े हैं, उनको जो है वो डिबेट उतर आते हैं। आपका आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये अपना अपना थॉट है, लेकिन जो लोग अगर राष्ट्रगान के लिए वो 52 सेकंड्स खड़े नहीं हो सकते, मैं समझता हूँ उनको देशद्रोही ही बोलना चाहिए। हमें बुरा नहीं मानिएगा, एक दिल की आवाज़ है। आपने कहा
52 सेकंड खड़े नहीं होते वो लोग। मैं फ़कर से कह सकता हूँ, मेरे दादाजी खुद बोलते हैं समवेयर विद इन द जीन्स आपको एक चीज़ मिलती है विरासत में। मैंने भी कभी शायद सोचा नहीं था कि मैं ये सब चीज़ करूँगा, लेकिन समवेयर विद इन द जीन्स कुछ ट्रेवल होता है। शायद मैं इसीलिए आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। दादाजी खुद मेरे एक क्रांतिकारी रह चुके, उन्होंने लेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब भगत सिंह जी के साथ काम किया था फ्रीडम फाइटिंग स्ट्रगल में। प्रोबेबली वो जीन्स मुझे आज लेके आगे बढ़ रहा हूँ मैं, कि एक जुनून है भाई। मैं सरहद पर तो नहीं जा पाया, लेकिन यहाँ बैठ के अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ तो कर गुजरूँ। अच्छा अनिल जी, NDTV जो है ब्रॉडकास्ट पार्टनर, उस बारे में बताएं। I did not get you, NDTV? NDTV आपका ब्रॉडकास्ट पार्टनर है ना? हाँ। थोड़ा सा उस बारे में बताएं, ये लाइव दिखाएंगे या कैसे? नहीं, लाइव नहीं है। NDTV डेफिनेटली हमारा टेलीकास्ट पार्टनर है इस बार, और आई थिंक विद इन अ वीक या 10 दिन के बाद आफ्टर द शो आफ्टर द ग्राउंड इवेंट ये टेलीकास्ट होगा। 30 मिनट का टेलीकास्ट है ये। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, ये भी एक सोच थी मेरे दिमाग में। वी हैव बीन डूइंग दिस शोज पिछले 4 सालों से। वन फाइन डे अभी कुछ 15 दिन पहले मेरा बेटा आ गया घर के, बढ़ के मुझे बोलता है कि पापा आप अगर ये सब कुछ कर रहे हो, आपको नहीं लगता ये आवाम तक पहुँचना ज़रूरी है? मैंने कहा बेटा ज़रूरी तो है, कोशिश यही करता हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ। बोले नहीं पापा, थोड़ा उसको उस माध्यम को आगे लेके चलो। तो दैट इज़ वाई हमने ये NDTV के बारे में सोचा कि एक प्रॉपर न्यूज़ चैनल है, वाई नॉट टेक इट ऑन द न्यूज़ चैनल सो इट रीचेस पैन इंडिया। दैट वॉज द थॉट बिहाइंड इट। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ऐसे अवार्ड्स को कोई नहीं खरीदता। डेफिनेटली हमको कुछ देना ही पड़ा है। TRP तो मिलेगी नहीं ना? मुझे उस देने का अफसोस नहीं है। अगर ये आवाम तक पहुंचे और इसका कुछ एक अवेयरनेस हो लोगों के बीच में, लोग आगे बढ़े कि नहीं, जैसे आपने थोड़ी देर पहले मुझे कहा पुलिस वालों को हम अलग नज़रिए से देखते हैं, वो नज़रिया जिस दिन चेंज हो जाएगा हमें लगेगा हम सक्षम हो गए। सिमरन जी ने थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया हमारे दूसरे अवार्ड शो के बारे में, द शूरी अवार्ड्स। हमने अबाउट 3 साल पहले उसमें एक यंग बच्ची, एक लड़की है जिसको हमने सम्मानित किया था। मैं उसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, बिकॉज मुझे गर्व है कि आज वो जहाँ पहुँच गई हैं। आई रियली सल्यूट हर, उनका जज्बा था उनका खुद का। 17 साल की वो बच्ची थी जब लोकल ट्रेन बोर्ड करी थी बम्बई में। जोगेश्वरी रहती हैं वो उस टाइम भी और आज भी। जब वो लोकल ट्रेन बोर्ड कर रही थी, उनका पैर फिसलता है और वो ट्रैक्स पर गिर जाती हैं। आपने ज़रूर सुना होगा उनके बारे में, रोशन शेख उसका नाम है। उस लड़की में जुनून, जज्बा कुछ कर गुजरने का। वो मेडिकल अप्लाई करती हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उसका मेडिकल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती हैं, क्लेमिंग शी इज़ मेडिकली अनफिट। उनका प्रोटोकॉल जो है उस हिसाब से, शी फाइट्स द केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, शी विंस द केस। इस साल जुलाई 2017 में शी इज़ टुडे फुल फ्लेज्ड MBBS डॉक्टर। नाउ शी इज़ डॉक्टर रोशन शेख एट KIIM हॉस्पिटल। तो इस तरीके का थॉट है, अगर ऐसे 1, 2, 4 भी अगर नया भीरे हम तलाश लें तो हमें लगता है हम सक्षम होंगे। All from the armed forces. It is police, it is army, it is navy, it is from the fire department and air force. I think यही जो है segment जो शायद देखने चाहिए, क्योंकि आप और मैं तो जंग नहीं लड़ते, हम तो यहाँ बैठे हैं।
if the government comes forward for something, it's wonderful. I'm not talking in terms support in terms of any finances, but agar sarkar ka support isme milta rahe hame naam dene mein ya hame aage badhane mein cheezon ko to shayad jaisa aapne thodi der pehle kaha tha hum saal mein 15 awards kyon de aise shows hum agar 2 ya 3 aur kar paaye to multiply hota rahega lekin ek show mein 15 16 ke upar na kare that is our urgent desire kyunki unko proper जस्टिस या उनको प्रॉपर इज्जत देना बहुत जरूरी है। आज का रिस्पांस फ्रॉम द स्पॉन्सर्स क्योंकि अवार्ड फंक्शन का स्पॉन्सर हो जाते तो काफी काम इजी हो जाता है, पावर आ जाती है। इस चीज को बंदा झेले तो बेटर है क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा टेलीकास्ट पार्टनर्स अगर पैसा ले रहे हैं तो स्पॉन्सर भी कोई आसानी से नहीं मिलता है आपको। राव साहब मेरे पास कोई काम नहीं है। कभी आप किधर शमशान भूमि का उसको बनाते हैं गोरेगांव में, कहीं टॉयलेट का भी आपने कई जगह पे बनाया, तो ये सब आप कहाँ से एनर्जी लाते हैं? राव साहब एनर्जी आप में और मेरे में सब में है, वो एक जुनून एक फैक्टर ऐसा है कि कुछ करना आपको आप पर गुजरते हो, आपको मेरी जरूरत नहीं है उसमें, हर कोई कर सकता है। It's basically that passion which takes me forward to do something for society at large. सर मैं कुछ कहना भी चाहूँगी और भी ऐड करना चाहूँगी और सर जैसे आपने कहा काफ़ी सारे अवार्ड्स हो गए हैं और सर लेकिन थैंक्स के सब बंद करवाए लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट तो उनकी पहचान इतनी नहीं होती है, उन्होंने जो किया वो उन्होंने वैन में अपने वैन में कैमरा लगवाया जहाँ से जो खोए हुए बच्चे होते हैं और वो मैक्सिमम बच्चे उन्होंने मिलवाए हैं फैमिलीज के साथ, तो ऐसे लोगों को फिर वो अवार्ड्स मुश्किल हो जाते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को रिसर्च टीम ढूंढती है जहाँ पर उन किसी लोग किसको पता नहीं है और हम लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं दैट दीज पीपल आर द रियल हीरोज। अब जब बच्चा खो जाता है तो फैमिली में क्या गुजरती है हम सब जानते हैं और वो मिलवाते हैं ऐसे बच्चों को जस्ट आउट ऑफ श्योर लव फॉर द नेशन कि वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। एज वी ऑल नो डॉक्टर अनिल जी हैज़ डन ग्रेट वर्क फॉर ह्यूमैनिटेरियन एंड वो विश्वास करते हैं, बट ऑफकोर्स मैं कहना नहीं चाहती थी क्योंकि उनका काम इटसेल्फ जो है अवार्ड जिंदगी के वो कह जाता है। सर डोबले साहब को मेमेंटो में क्या हॉकी देंगे आप? मैं कौन हूँ देने वाला, वो सक्षम है। एक नाम आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा अगर आप लोगों ने सुना होगा इनके बारे में, इंस्पेक्टर संजय गोविलकर साहब। हाउ मेनी ऑफ यू नो हिम? संजय गोविलकर, यही प्रॉब्लम है दादा। ही इज फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट। ये वो एक शख्सियत है, अगर आपने नाम सुना हो, मिस्टर कसाब। कसाब साहब को ये वो शख्सियत है, ये वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने पीछे से दबोचा था उसको, पीछे से जकड़ रखा था इसको। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनका क्या होगा फ्यूचर में, लेकिन वो वहीं डटे रहे। आज हम उसको कोई नहीं जानते, इज देयर। वो भी एक शख्सियत है जो आज उस दिन वहाँ मिलेंगे आपको, गोलियाँ इनको भी लगी थी उस दिन, लेकिन ये आज है। रिक्वेस्ट की इनको यार है वहाँ पर उस दिन, आप उनको भी मिलिएगा, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि मिस्टर कसाब का केस वेल नोन केस था इन द मीडिया, लेकिन कसाब को पकड़ा किसने पीछे से? वो ये आदमी था। थैंक यू। कुछ हाइलाइट जो सपोर्ट इंडस्ट्री से कितना सपोर्ट मिल रहा है? आप पीआर इंडस्ट्री में हैं, आपसे बेहतर कौन बता पाएगा इसके बारे में? आज अगर फिल्म फ्रेटर्निटी इसके साथ होती तो अपन यहाँ भी देखते उनको। कोशिश कर रहा हूँ कुछ लोगों को वहाँ बुलाने की, फेसेस मिलेंगे आपको वहाँ पर, लेकिन एक होल हार्टेड सपोर्ट जो मिलना चाहिए इट्स मिसिंग समवेयर। व्हाट इज द चैलेंज? डू यू फेस चैलेंजेस टू पुट सच अ लार्ज शोस टुगेदर ऑन योर ओन? यू बीन डूइंग इट फॉर 4 इयर्स एंड इट्स वर्थ एप्पल लॉस आई थिंक। सो हाउ
See, challenges come and go. जो सबसे पहला चैलेंज था दोस्तों, जब मैंने पहला अवार्ड शो किया था, तब लोगों को मिलना, उनको समझाना है कि मैं अवार्ड शो कर रहा हूँ, उनको फिर उनके क्वेश्चंस कि मैं कौन हूँ करने वाला, उनका उनका सोचना बिल्कुल जायज़ था। शायद वो चैलेंजेस से आगे निकल गए हम। आज हम जब अप्रोच करते हैं लोगों को, कम से कम वो सवाल मेरे पास नहीं आता कि भाई तुम कौन, हम आपके अवार्ड शो पर क्यों आए हैं। तो इट्स बेसिकली अ नेवर एंडिंग ड्रामा जो चलता है, चलता रहेगा। कोशिश करते रहेंगे कि भाई तकलीफों से आगे बढ़े और एक अच्छा काम करें। अनिल जी, आप बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलते रहते हैं और सारे लोग सोशल साइट्स पे देश के डिफेंस के साथ तो सपोर्ट दिखाते हैं। जब आप उनसे मिले, जब आपने बताया कि हम ऐसा प्रोग्राम करने वाले हैं, तो क्यों नहीं जुड़ रहे, कुछ क्या रिएक्शन था उनका? क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं किसी को अप्रोच कर रहा हूँ कि मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़ो। पता है, लोगों को पता है कि हम कुछ कर रहे हैं। एक वो डिज़ायर उनका खुद का होना चाहिए कि वो आगे बढ़ के आगे आए कि हम आपके साथ हैं। तो दैट इज़ मिसिंग समवेयर। मैंने ये कह रहा कि मैंने किसी को अप्रोच किया और किसी ने मुझे मना किया, बट जब आपको पता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, तो इट इज़ योर ड्यूटी टू कम फॉरवर्ड एंड टेक द इनिशिएटिव फॉरवर्ड एंड कम फॉरवर्ड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस कि हम आपके साथ हैं। इस बार मुझे काबिले तारीफ एक बात जरूर कहना चाहूँगा आपसे, मैंने सीएम साहब की वाइफ को अप्रोच किया इस बार, अमृता जी फडणवीस को, कि भाभी मैं ऐसा एक शो कर रहा हूँ, एंड शी वॉलंटरली केम फॉरवर्ड। आई एम विद प्राइड टेलिंग यू दैट वो आ रही है उस दिन, एज ए चीफ गेस्ट उस दिन है वहाँ पर वो, एंड शी वॉज वेरी क्लियर कि हाँ भैया मैं पक्का आपके शो में आ रही हूँ पक्का। तो ये एक सपोर्ट ऐसा था जो मुझे हौसला दे रहा है कि आने वाले दिनों में और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। और सर, ये सपोर्ट आप ही की वजह से हो सकता है। आई थिंक ये सिर्फ लोगों तक पहुँचने की बात है, लोगों तक जाने की बात है। और जब मैंने ऑडियो विजुअल देखा जो 90 सेकेंड्स का है, तो सच में घूस बम्स हो जाते हैं, विश्वास नहीं होता है। वह हमारे साथ आज हमारी डिग्नेटरीज हैं फिल्म वर्ल्ड से, मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगी। सो प्लीज़, कैन वी प्लीज़ हैव रामजी गुलाटी ऑन स्टेज। थैंक यू, कैन प्लीज़ रामजी। और चाहूँगी एक दो शब्द आप कहिए। वी वुड ऑल्सो लाइक टू इन्वाइट श्वेता कांदुरी, द वेरी रिनाउंड मॉडल और कलाकार। तुषार ज्वेलर्स, कैन वी प्लीज़ हैव यू हियर टू Tushar Jules and Ishika Taneja, she's joining us. Thank you so much, and we have a small token of love. Pehle main se baat karungi aur phir hum milenge. So please, we start with Shweta. Good evening, everyone. I'm so honored and so happy to be part of this, because first of all, अनिल जी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जो लोगों को इंस्पायर करता है, एंड आई रियली लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट। एंड ऑल्सो थैंक्स टू हिम दैट व्हेनेवर ही डज समथिंग लाइक दिस, ही मेक्स मी अ पार्ट ऑफ इट। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस। आई माई सेल्फ कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड। आई कम फ्रॉम फर्स्ट थर्ड गोरखा रेजिमेंट, एंड माई ग्रैंड फादर वॉज फ्रॉम फर्स्ट थर्ड गोरखा रेजिमेंट। माई नाना जी इज़ फ्रॉम CRPF पुलिस। So I have seen the life of army also and police also. It's very different. जैसे आपने पूछा पुलिस वालों को दूसरी नज़र से देखते हैं, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। देखते हैं डेफिनेटली, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये रियलाइज़ नहीं करते, जब आप दिवाली मनाते हैं उस दिन भी वो ड्यूटी करते हैं, जब आप होली मनाते हैं उस दिन भी वो ड्यूटी करते हैं। और उनकी हमेशा जो फेस्टिवल्स होते हैं वो कभी अपनी फैमिली के संग नहीं मनाते, वो हमेशा हम लोग की प्रोटेक्शन में या कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए उस चीज़ में निकल जाती है। सो कहीं ना कहीं हमें वो रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, एंड इस तरीके के अवार्ड्स इज़ जस्ट अ वे ऑफ थैंकिंग देम फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट, सो फॉर वॉट एवर दे डू फॉर अस। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ आज इशिका तनेजा भी हैं, जो मिस टूरिज्म वर्ल्ड जीती हैं इस साल और इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी मलेशिया में। Thank you so much for being here with us and honoring us. I request you to speak a few words, please, on this occasion. Or you want to know first? It's about the awards. Yes.
I'm highly honored to be standing on the stage, and I would like to congratulate you to actually start an effort like that. I think it's commendable from your side. And me representing India, definitely I am highly patriotic, but I feel the generation that we are in, we still need to revive it somewhere down the line. And I think awards like these would really help us to unite the country instead of dividing the country in the sense of religion or caste. But agar hamare mein patriotism ki bhavna aur zyada badhegi, to I think hamare ko aur bhi zyada Bhagat Singh and sare ke sare log hamare ko zyada dekhne ko milenge. And I think Modi ji ki sarkar jab se aayi hai, tab se I feel the patriotism has increased, and youth isme kafi zyada you know, they are being very proactive about it. And I feel that the awards like these will really encourage people, and I would like to congratulate you guys. Thank you so much. Thank you. That's very kind of you. Thank you for your kind words. I request you to speak a few words. It's a great honor to be on this platform tonight, or I can say evening. Thank you very much, sir, for putting such kind of an effort. और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए हैं. ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ, मेरा भी एक आर्मी बैकग्राउंड है थोड़ा सा, बिकॉज माई अंकल हैज़ जस्ट रिटायर्ड एज अ कर्नल इन आर्मी, एंड माई एल्डर कज़न डाइड सेविंग लाइफ्स ऑफ थ्री पीपल. इंदिरा गांधी जी की तरफ से हमको एक एलिट्री अवार्ड मिला था पोस्ट हिज डेथ. सो दैट कल्चर स्टार्टेड इन आवर फैमिली विद दीज टू पीपल. सो जो पीछे के लोग जिनके बारे में बता रहे थे सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रंट फेस हमेशा चमकता है, लेकिन उस फ्रंट फेस को बनाने के लिए पीछे बहुत लोगों का त्याग और बलिदान रहता है जो हम नज़रअंदाज कर जाते हैं. तो ये बहुत ही कमेंडेबल एफर्ट है, क्योंकि एक इंडस्ट्री कोई भी हो वो फ्रंट फेस से नहीं बनती, बहुत लोगों का उसमें योगदान होता है. तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कौन कौन उस नींव में जुड़ा है. तो इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड अ ग्रेट यू नो इनिशिएटिव व्हिच यू हैव टेकन सर, एंड डेफिनेटली व्हाटएवर सपोर्ट व्हिचएवर कैन गिव वुड बी अ ग्रेट थिंग, एंड यस वी आर सपोर्टिंग. थैंक यू. थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड वी होप टू सी यू ऑल ऑन सैटरडे टू. सर, कैन आई रिक्वेस्ट टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स? I think we all are truly inspired by Anil ji, and this such inki soch hi itni achhi hai, kyunki hum hamesha film awards ke liye jaate hain, music awards ke liye jaate hain. Inki soch hai, insaan hi itne acche, itni achhi soch hai inki, ki ye real life heroes ko awards aur recognition de rahe hain. So I think this is a salute to you, sir, from all of us, and I think the entire industry will stand with you, and it will grow with time, and I think this awards we all are going to do all our best, and I think even the press and media is going to be supporting, because these are the real heroes who deserve the recognition and the awards. Thank you so thank much. Thank you so much, Tushar. Can you please request to sing a few lines? Is he mock up? Okay, the thing is this, that, you know, my new song has come out recently. Hame Tumse Pyar Kitna, we have reloaded, recreated a cult song. He's the man made me sing. So I'll just sing a couple of lines from there. तेनों प्यार किता बेशुमार किता कदी जानी ना छड़ के यादा तेरिया ने हंजू कट दी ने हुण आ जावे सोनी हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हाँ हमें तुमसे प्यार. Thank you very much. क्या बात है, you really won our hearts with this one. Thank you so much, and Divya is on her way, so we like to felicitate all of you. Thank you for honoring us, and we hope to see you all on Saturday in the evening at ISKCON too. Thank you, Anil ji, Dr. Anil. Can I please request you a small token of love for everyone? And I would love to thank each and every one of you friends from the media. Well, this has been possible only because of your बहुत बहुत शुक्रिया. हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर सैटरडे को फॉर द मेन इवेंट. आप प्लीज आइए, अपने चाहने वालों के साथ आइए. प्लीज़ गेट योर लव्ड वंस, अपनी फैमिलीज को साथ में लाइए, एंड आई एम श्योर दिस इज ट्रूली अ हार्ट टचिंग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. सो आई डेफिनेटली सी यू ऑन सैटरडे द 18th ऑफ नवंबर एट द ISKCON ऑडिटोरियम 6 PM ऑनवर्ड्स. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी हियर विद अस एंड जॉइन अस फॉर स्नैक्स एंड हाई टी. Thank you very much, each and every one of you. This camera, right? Yeah. Yes. Sir.
सेंटर मैम थोड़ा इधर भी अपने थैंक यू गिव मी वन मोर कैमरा पर्सनल So, what would you like to say about the award Jindagi? It's happening on... You want it in English or you want it in Hindi? Hindi is better. Whatever you are comfortable with. First of all, I'm very happy to be here and become this part banker because I feel that... I'll just start from the beginning. I feel really proud that I'm a part of this and मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं इस मंच पे हूँ एंड इस पूरे एफर्ट का एक हिस्सा बन सकती हूँ क्योंकि हम लोग हमेशा सेलिब्रिटीज़ को एंड ब्यूटी को एंड बाकी चीज़ों को हमेशा सेलिब्रेट करते हैं बट आई थिंक जो रियल हीरोज़ हैं लाइक द हीरोज़ दैट एक्चुअली कीप अस सेफ एंड जो हमारे को हिम्मत देते हैं कि हर रोज़ की आम यू नो हर रोज़ की ज़िंदगी में अच्छे से भाग ले सकें विदाउट इवन हैविंग अ थॉट बिहाइंड अ हेड कि हम लोग सेफ हैं या नहीं हैं हम उनको सेलिब्रेट करें तो हमारे में पेट्रियाटिज़म की भी भावना ज़्यादा बढ़ेगी ये कंट्री ज़्यादा यूनाइट होगी बिकॉज वी नीड टू यूनाइट टुगेदर रादर देन डिवाइड एंड आई थिंक इंडिया इज़ ऑन द राइट पाथ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट I think it's a very brilliant effort and I feel that the thing that I really love about right now is ke jitna bhi youth hai wo kafi zyada proactive ho raha hai usme patriotism fir se ho raha hai not that ki pehle nahi tha but I think ek indian hone ki bhavna zyada hai rather than like when people ask me like I'm from delhi whether I like delhi or bombay but I feel that I love india and that is the change that is coming because of social media because of such events and awards like these will really help us unite together and actually come forward and jo unsung heroes hain unki zindagi mein pride lane ke liye I think isse behtar tarika nahi ho sakta so I am going to present any awards on final day I hope so okay last day we will see you in sarkar Yeah. So, any upcoming project you'd like to share? My Indu Sarkar ke baad wo aayi thi, Hath, which is Vikram Bhatt sir's. And I'm also doing a biopic about I Am Malala. So, I'm doing her teacher. With so, Divya Datta. So, yeah, you'll be seeing that soon. Sorry. So. Sorry. Thank you so much. Thank you. Amen. बहुत ही ब्रिलियंट इनिशिएटिव है मतलब मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है हम सब देखते हैं कि बहुत अलग अलग अवार्ड्स होते हैं जहाँ बहुत ग्लैमर होता है जहाँ पे मूवीज़ के बारे में टेलीविज़न के बारे में बहुत कम अवार्ड ऐसे होते हैं जो एक्चुअली उन लोगों के लिए होते हैं जो एक्चुअली हीरोज़ हैं इन रियल लाइफ सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड दिस इज़ सेकेंड ईयर दैट आई एम अगैन हियर दैट शोज़ दैट आई कम्प्लीटली सपोर्ट अनिल जी हमेशा बहुत इंकरेजिंग चीज़ें करते हैं जो बहुत अच्छा लगता है उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वो इतना अच्छा सोच रखते हैं और अपने देश के लिए देशवासियों के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं एंड ऑल्सो बिकॉज आई कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड एंड ऑल्सो फ्रॉम पुलिस बैकग्राउंड सो कहीं ना कहीं ये अवार्ड्स मेरे दिल के बहुत करीब रहते हैं क्योंकि
मैंने लाइफ देखी है एज एन आर्मी उसमें भी और पुलिस में भी कि कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ होती है. और अगर और कुछ नहीं, अगर थोड़ा सा अप्रिसिएशन दें तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं. दैट्स व्हाट दे वांट एंड आई थिंक दिस इज़ अ ब्रिलियंट वे ऑफ टेलिंग देम दैट वी रियली रियली अप्रिशिएट व्हाट दे डू फॉर अस. और कहीं ना कहीं हम उन आज जो हम इतने खुशी से या हर चीज़ जो भी कर पाते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम. सो कहीं ना कहीं हमें रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आज अगर हम यहाँ खुश हैं क्योंकि वहाँ सरहद में इतने लोग खड़े हैं हमारे सेव करने के लिए. थैंक यू. आई थिंक इट्स द बेस्ट इनिशिएटिव. आई थिंक फॉर मी पर्सनली दिस विल बी द बेस्ट अवार्ड्स. हम हमेशा फिल्म अवार्ड्स और म्यूज़िक अवार्ड्स के लिए तो जाते हैं. इनफैक्ट मैं 18th को आ नहीं पा रहा था बिकॉज आई हैव अ शो. सो आई सेड कि आज मैं ज़रूर आऊँगा बिकॉज इट्स सच अ गुड इनिशिएटिव बाय अनिल जी. एंड अपना सपोर्ट एज एन आर्टिस्ट वी शुड बी देयर यू नो फॉर हिम बिकॉज आई कुड नॉट मेक इट ऑन द 18th. सो मैं बोला कि आज मैं ज़रूर आके इनको सपोर्ट करता हूँ बिकॉज ये रियल हीरोज़ हैं. हम रील है, रील यू नो द रील एंड रियल में बहुत फ़र्क होता है. तो आई थिंक दिस इनिशिएटिव मैं उनको सबसे पहले सल्यूट करता हूँ एक जो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया बिकॉज दिस इज़ बिहाइंड द कैमरा द एक्चुअल हीरोज़ यू नो हु वी ऑल शुड रियली लुक एट. एंड आई थिंक दिस इज सच एन अमेजिंग फीलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. वेल सारी बातें बहुत लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कह दी. मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है एक्चुअली. बट द थिंग इज ऑन ए सीरियस नोट, ये वाकई में एक बड़ा सीरियस इशू है क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें बचाने के लिए, हमारी सुख की नींद के लिए अपनी जान कुर्बान की है. उनकी फैमिलीज़ के साथ में क्या हो रहा है, उनके बच्चों के साथ में क्या हो रहा है, हम तो भूल गए. लेकिन अब उनका क्या. तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक तरीके से उस याद को, उस वाकये को और उस व्यक्ति को वापस याद करने के लिए और उसके परिवार के लिए कुछ करने के लिए. अगर किसी भी तरीके से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, बहुत ज़रूरी है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. और इंडस्ट्री जो हमारी है वो काफ़ी फेस वैल्यू पे चलती है जिस पे लोग बिलीव करते हैं क्योंकि आप रोल मॉडल बनते हैं. तो मैं चाहूँगा कि हम जितने भी हैं जो भी अपना समय किसी भी तरीके से और किसी भी तरीके से किस इनिशिएटिव का पार्ट बन सकते तो ज़रूर बने क्योंकि ये पेट्रियटिज़म से कम नहीं है. और आई थिंक इस मुद्दे को, इस अवार्ड को अगर कोई आगे लेके जा सकता है तो वो सिर्फ आप लोग हैं. बिल्कुल बिल्कुल. हमारे से ज़्यादा आप लोग इसको यू नो यू कैन एक्चुअली टेक इट टू पीपल क्योंकि आपके हाथ में ताकत है, आप मीडिया हो. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको इन्हें करना चाहिए टू मेक दिस बिग. एंड तो जितना आप इनको सपोर्ट दोगे तो अगले साल आप देखोगे और सेलिब्रिटीज़ इसमें और आएंगे क्योंकि इसमें मीडिया का सपोर्ट है. सो आई थिंक यू गाइज हैव टू मेक रियल हीरोज़ हीरोज़ रादर देन मेकिंग हीरोज़ हीरोज़. सो आई थिंक आपके हाथों में है एंड आप इसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे. एंड आई थिंक यू कम हेयर और 18 तारीख को भी आइए, इन सबको सपोर्ट कीजिए एंड मेक द इवेंट लार्जर देन लाइफ और हर साल ये बढ़ते जाए और रियल हीरोज़ को अप्रिसिएशन मिले और उनको भी एक अपने आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आता है. थैंक यू. अवार्ड जिंदगी के जो 18 को रखा गया उसके बारे में ज़रा बताएं. यार कोशिश है कि उन नायाब सितारों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए जिसकी वजह से आज आप और हम अमन और शांति की ज़िंदगी जी रहे हैं. ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट अपने मुंह मियां मिट्ठू होने में कोई फ़ायदा नहीं है. आप वहाँ आएँ, उसको समझें, देखें तो अपने आप में आपको समझ में आएगा कि वाई आई एम सेइंग इज़ ए यूनिक कॉन्सेप्ट. इट्स फॉर द ब्रेव हार्ट्स ऑफ द इंडियन सॉइल. हमने ऐसे चेहरों को आगे लिया है जो आर्मी में हैं, नेवी से, फायर डिपार्टमेंट एंड द पुलिस और एयरफोर्स. दीज फाइव सेगमेंट्स जिन्होंने या तो कुछ ऐसा किया देश को उन पर गर्व है और कुछ ऐसे सितारे भी हैं जिन्होंने सरहद पर अपनी प्राणों की आहुति दी तो उन परिवारों को इकट्ठा करके उनको सम्मानित कर रहे हैं टू मेक द इंडियन कॉन्टिनेंट अंडरस्टैंड कि ये हमारे रियल हीरोज़ हैं ज़िंदगी के. यार आप बम्बैया भाषा में पूछो तो ये जुनून बोलो या खुजली बोलो कि कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा करना है विच कैन बी आई ओपनर्स टू द सोसाइटी एट लार्ज. आप मेरे पे हंसोगे, हमने गोरेगांव बम्बई में
گوریگاؤں ایسٹ میں ایک ہندو شمشان بنایا ہے, تو وہ اب میرے ذہن میں کیوں آیا, تو اٹ واز دیر بیکاز ایک سوچ تھی اس ٹائم پہ کہ بوریولی ایسٹ سے لے کے ولے پارلے ایسٹ تک کوئی شمشان بھومی نہیں تھی, آبادی اتنی بڑھ رہی تھی, ہم نے سوچا یار کیوں نہیں ہم اس کا کوئی ذریعہ بنے, اوپر والے کی آشیرواد سے کچھ ہو گیا کر لیا ہم نے. ویسے ہی یہ بھی کانسیپٹس دماغ میں بائی ڈیفالٹ آ جاتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں آگے لے کے چلیں. چین کیسے کرتے ہیں گوگل کرتے ہیں, سرچ کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں ستاروں کو, بولتے ہیں ڈھونڈنے پہ بھگوان بھی مل جاتا ہے, تو ویسی کوشش ہے اور اس حساب سے فیملیز کو پھر اپروچ کرتے ہیں ان کی فیملیز کو اور سم ہاؤ نکل جاتی ہے گاڑی, آگے بڑھ جاتی ہے گاڑی. دوستو اس کو آپ دل سے سوچئے کہ میں جو کہہ رہا ہوں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, ہم جو آج سانسیں لے رہے ہیں صرف اور صرف ان مہارتھیوں کی وجہ سے لے رہے ہیں, تو پلیز ان کے بارے میں سوچو اور کچھ ایسا کرو یا کچھ ایسا سوچو کہ ہم ان کو دل سے سلام کر سکیں. جائے 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 جائے.